खाओ बुझियो न दाल भात पेठा हई राधेश्याम रसिया के बेटा हई। राधेश्याम रसिया के बेटा हई छे कि पापा आपने कैसे शुरुआत किए और कैसे भोजपुरी लाइन में आए और कैसे आपका मन विचार किया तो आप इस लाइन में सुपरस्टार बन गए। हाँ, कैसे सुपरस्टार बन गए? तो पापा ने बोले कि लक होता है, एक कोई भी इंसान लक होता है, जो जिंदगी में जो इंसान जिंदगी में क्या होता है, क्या नाम है, चैनल वाले हैं, आप सबसे एक बात बताना चाहते हैं, ये जो भी गलत आप लोग पोस्टिंग कर रहे हैं तो किसी को गलत साबित करके और हाँ नीचा दिखा कर और गलत पोस्टिंग कर रहे हैं। एक एक इंटरव्यू हम देखे हैं, वो पता ना किनका इंटरव्यू है, हम उनसे बहुत जल्दी मिलेंगे। अगर आप मेरा इंटरव्यू देखते होंगे तो आप मिलिएगा। एक्चुअली हम देखे थे कि वो लिखे थे कि राधेश्याम रसिया आज रोड पर आ गए। क्या आपका औकात है राधेश्याम रसिया जी के पास बैठने का? औकात है तो आइए मेरे पास। नमस्कार, प्रणाम बा सबे भोजपुरिया श्रोता के, हमारा साथ है यहाँ पे मौजूद बानी 90 के दशक के सुपर हिट गायक राधेश्याम रसिया के सुपुत्र सूरज रंगरसिया। आज हमनी के यहाँ के बड़ा मुश्किल से हालांकि भेटा गोल बानी, तो आज हमनी के बात बात कही कही जाए यहाँ के लेके आ कुछ यहाँ के पिताजी के लेके। तो चलिए सूरज जी, सबसे पहले तो स्वागत मारा जी एकदम से। जितने भी हमको दर्शक देख रहे हैं और जितने भी सब्सक्राइबर और मुझे जितने भी चाहने वाले और जितने भी मेरे पापा जी को चाहने वाले और भोजपुरिया जान के जितने भी तमाम दर्शक देख रहे हैं, सबको नमस्कार और प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम सूरज रंगरसिया, पिता श्री सुपरस्टार राधेश्याम रसिया, कोनो मोड़ गोपालगंज बिहार। चलिए यहाँ के अपन बेहतरीन तरीका से आता पता रहुआ सबे के बता दे बानी जी। रहुआ गीत वगैरह तो गावे नहीं जी, आपके चैनल पर बहुत पहले हम दिए दे चुके हैं जी। तो हमने के देखले बानी सो आ हम चाहे रहु कोनो नया गीत वगैरह आइल बा। हाँ आइल बा एने करी। हाँ हाँ, कितना दिन भयो? बस 2 तारीख को रिलीज हुआ है। 2 तारीख के 5 तारीख के पहुँचले बानी सो। तो हम चाहे तो नहीं हमारा दर्शक लोग के वो गाना सुना दी, ठीक बा? कौना चैनल पर बाबू जी? ये अब रहुआ हिंदी में बती भोजपुरी, हमू भोजपुरी में बतिया भैया भोजपुरी है हमने क्या गाना। ये हमार और हमारा पापा के महाराजगंज जिला में रिकॉर्डिंग और शूटिंग भैला, जौना स्टूडियो के नाम बा और चैनल के नाम बा मोहित फिल्म्स प्रोडक्शन, और मोहित फिल्म प्रोडक्शन से हमारा और पापा जी के गाना रिलीज भइल बावे और हमारा गाना के नाम बाटे कि राधेश्याम रसिया के बेटा हई, ठीक है? वो गाना हमारे मोहित जी लिखे हुए हैं और उस गाना को मैं बहुत अच्छा से आपको सुनाऊंगा और आप सबको गाना अजीब गाना बाजी कि राधेश्याम रसिया के बेटा, ये टाइप के गाना तो बहुत कम ही आवेला, तो चाहे कि गानवा रहुआ सुनाई हमारे दर्शक लोग के एकदम काहे ना सुनाएं। देखिए गाना के बोल बाटे कि आइल बाड़ू नाचे तो कोमर हिलावो, कि आइल बाड़ू नाचे तो कोमर हिलावो, बन जाही मुड ऐसे ढोंढ़ी देखावो, अरे बन जाही मुड ऐसे ढोंढ़ी देखावो, बुझियो न दाल भात पेठा हई, राधेश्याम रसिया के बेटा हई। राधेश्याम रसिया के बेटा हई। तो भैया ये गाना बहुत अच्छा लागल हमरे गांव में और आप सबके भी अच्छा लागल, तो आप सब मोहित फिल्म प्रोडक्शन पर जाएं और इस सब ये गाना के सर्चिंग मारी कि राधेश्याम रसिया के बेटा हई सूरज रंगरसिया 2023 सॉन्ग, आप सब गाना के सुनी और अपना प्यार और आशीर्वाद दी और हम के आगे बढ़ाई। बहुत बेहतरीन गाना बाटे ई जॉन की, ये टाइप के गाना बहुत कम है सुने के मिलेला कि केहू भी गायक। एगो बात बताई, मान ली कि रउआ एगो सुपर स्टार के बेटा बानी जी, एकर फायदा तो रउआ मिलेला जी जी, वही के वजह से मान ली कि आज रउआ जानल जाता नहीं पहचानल जी। देखिए आज अगर हम आगे भी बढ़ रहे हैं तो आज मेरे पापा जी के ही देन है, ठीक है? क्योंकि मुझे वो सपोर्ट करते हैं एक्चुअली, और जब भी उनको टाइम मिलता है मुझे सिखाते हैं और बहुत मतलब मुझे पीट पीट के सिखाते हैं, मुझे एक भी गलत होता है सारे गामा भी अगर कुछ भी उसमें गलत हुआ तो मुझे डांटते हैं, बोलते हैं, कहते हैं कि जो समय अगर बीत रहा है, ये जो समय कट रहा है ना, को वो समय फिर आएगा नहीं। ठीक, बहुत बेहतरीन बात। तो कह रहे हैं कि जब मैंने गाना भोजपुरी इंडस्ट्री में कदम धरा तो मैंने उनके मतलब हम उनसे पूछे कि पापा आपने कैसे शुरुआत किए और कैसे भोजपुरी लाइन में आए और कैसे आपका मन विचार किया तो आप इस लाइन में सुपरस्टार बन गए। हाँ, कैसे सुपरस्टार बन गए? तो पापा ने बोले कि लक होता है, एक कोई भी इंसान लक होता है, जो जिंदगी में जो इंसान जिंदगी में लिखा होगा वो होगा, ठीक है? अगर हम खूब प्रयास करेंगे ना कि मैं ये करूँ मैं बन जाऊँगा बन जाऊँगा, प्रयास करूँगा, लेकिन लिखा होगा
तो बनूंगा, लेकिन कितना भी प्रयास करूंगा ना नहीं लिखा होगा तो नहीं बनेगा। कि एक्चुअली एक बार वो हमसे बात कर रहे थे तो हम उनसे पूछे कैसे क्या क्या हुआ, तो उन्हें बोले कि हमने एक फैक्ट्री में दिल्ली में काम करते थे गुटखा फैक्ट्री में, और उस फैक्ट्री में वैसे गाना वाना जैसे फैक्ट्री में गाना वाना लड़का सब गाता है तो वो भी गाते थे, तो गाते गाते उनका जो मालिक थे इनको मेन मालिक बना दिए, ठीक है, इनका गाना सुनकर। और उनके बाद ये चंदा फिल्म्स में चले गए। अच्छा, चंदा कोई रिकॉर्डिंग थे उसमें इनका वो गाना चला था कि ए सखी सैया रोज रतिया के महिला, ठीक है, वो गाना हाँ ए सखी सैया रोज रतिया के महिला आ चुड़ियारवा रे चूड़ी डाल के पहरा दे, ये दो गो गाना उनका निकला, ये दोनों गाना पूरा ब्लास्ट हुआ। उसके बाद इनका टी सीरीज में चले आए, और मैंने उनसे ये पूछा कि एक्चुअली चलिए ये बात तो ठीक है जब आप क्या नाम है फैक्ट्री में काम किया उस टाइम से आप आगे बढ़े, लेकिन उसके पहले आप जब घर पर थे उसके बाद बताइए कि आपके कैसे शुरुआत हुए। तो उन्होंने बोले कि हम पढ़ाई भी करते थे और स्कूल में मुझे गाना भी गवा रहे थे लोग, और गाना गा रहे थे और अच्छा लगता था। उसके बाद जैसे कोई कोई मतलब आदमी थे लो जो मंदिर वंदिर में जाते थे, लो अष्टजाम चाहे कोई भी पूजा पाठ होता था तो वो भी जाते थे साथ में और बजाते थे और साइड से गाते थे और गाते गाते आज सुपरस्टार जी हो गए बनी। चली एगो रउड़ा फोन पर जब फोन लगावल जाता तो एगो रिंगटोन बजता तोहरो दर्दे बनल बा दवाई, ठीक बा, राधे श्याम रसिया जी के गाना हटे तनी हम चाहे कि वो गाना के रउआ सुनाई, काहे से कि राधे श्याम रसिया से हु बहु यहाँ के अगर राधे श्याम रसिया के रउआ देखले होके तो एकदम सकल मिलत जुलत बा, राधे श्याम रसिया के यहाँ के सुपुत्र बानी आ पूरा तरीका से जौन यहाँ के सकल सूरत बा वो पूरा तरीका से मैच कर रहा बा। तो हम चाहे कि वो गाना रउआ एक खाली सुनाई जौन रिंग टोन में बाजता जी। ओ गाना हमार बहुत अच्छा लगेला, ऐसे लगेले बानी गाना के बोल बा कि हमरो दर्द बनल बा दवाई, हमरो कि दर्द बनल बा दवाई, केकरा से मांगी जान पीरितिया यार बनल हर जाई, दर्द बनल बा दवाई ओ हमरो दर्द बनल बा दवाई। वाह जी वाह वाह, तो रउआ सब सुननी राधे श्याम रसिया जी के गाना बा। अच्छा यहाँ के तो गाँव ही रहता नहीं राधे श्याम जी? जी अभी महाराजगंज में रिकॉर्डिंग चल रहा था और शूटिंग चल रहा था, तो फिलहाल अभी शादी उदी है घर पे तो आए हैं लोग, फिर निकल जाएंगे। केकर शादी, रउड़ा शादी बा का? नहीं नहीं, मेरे बड़े पापा के लड़की का शादी है। अच्छा अच्छा, तो फिर वही जी चल जाएगा महाराजगंज जी। गाना उना चला था बढ़िया जी? बढ़िया एकदम, गाना बहुत अच्छा रिकॉर्डिंग हुआ है। सबकर एक समय होला जी, समय के बाद से मान ली कि सबकर समय कहीं ना कहीं जाके लद जाला। आज वही से मान ली कि ये राधे श्याम रसिया बहनी चाहे गुड्डू रंगीला चाहे मनोज तिवारी लोग सबे एक साथे आई, लेकिन आज कहीं ना कहीं मान ली कि जमाना से दरकिनार हो गए बा लो, नया नया लोग आइल बा, नया नया मान ली कि गीत गाँव नहीं चलल बा। वो हालांकि जब यहाँ का लोग भी आई रहनी तो बहुत एगो बात बताई, राधे श्याम रसिया जी बहुत कुछ अश्लील गाना भी गाँवनी जी। ये बात के रउआ लोग के कहीं ना कहीं ये बात रहेला कि ना ये गाना यहाँ के ना गौले रहती, हालांकि अश्लीले गाना ज्यादा हिट भइल बा, एगो यो बात मान ली कि एगो यो सच्चाई बात बात बानू। देखिए हम मतलब हम ही कहेंगे कि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के दो ही गाना है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली वो गाना बहुत मतलब तमाम कोई भी फंक्शन में बजता है, ये राजा 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 करेजा में समाजा लॉलीपॉप लगे लू, ये गाना पूरा ब्रांड पवन सिंह जी का है। ये गाना बहुत अच्छा लगता है। हम एक्चुअली हम एक बार यूट्यूब पर सर्च मारे कि भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे नंबर वन गाना कौन है, तो यही दो गाना था, दोनों मिक्स था। अच्छा जी, ये राजा राजा एगो रहुआ पापा वाला। हाँ, राजा राजा एगो पवन सिंह के जी, दोनों गाना एकदम बेहतरीन लगेला जी। अच्छा चली सूरज जी, हम चाहे कि तनी अपना पिता श्री के राधे श्याम जी के एगो और गाना जौन रहुआ ठीक लागत होके तनी गाना हमारा दर्शक लोग के सुनाई। आपके इस चैनल पे एक और वीडियो दिए थे इंटरव्यू, उस पर वो गाना गाए थे, अगर कहिएगा तो वही गाना गा देंगे। ठीक है, और गा दे। अच्छा और एक कौन गाए जो दूसर जो ठीक लागत हो? कि दर्द दबाई बनल अरे सुन हर जाई, कि दर्द दबाई बनल
अरे सुन हर जाई कि आला कर सम मर जाई हो कि खुदा कर सम मर जाई हमारा चिता पर दिया के जरई हमारे लाश के तू दफना के जई हमारे चिता पर दिया के जरई हमारे लाश के तू दफना के जई जानते हैं थोड़ा एक तरीके का प्रोग्राम था उसमें थोड़ा ज्यादा जानते हो थोड़ा हाँ थोड़ा गाला वाला लग गया है इहे एगो आशा बाटे अरे गले लग जाई कि आला कर सम मर जाई हो कि खुदा कर सम मर जाई बाजी बाबा तो ये गाना रहल राधे श्याम रसिया जी के आ यहाँ के राधे श्याम रसिया जी के सुपुत्र बानी आ यहाँ के गाना वगैरह में फिलहाल यहाँ के गाना आ रहल बा हालांकि गाना जौन बाटे अभी यहाँ के संघर्ष कर रहल बानी ये क्षेत्र में पाँव जमावे के संघर्ष कर रहल बानी एगो सुपर स्टार के यहाँ के सुपुत्र बानी तो आगे चल के चलिए आप सबके एक बात बताना चाहते हैं जो आप पूछे हैं कि अश्लील हम इतना हमको मालूम है हम ये भी सुने हुए हैं हम सुनते हैं तभी ये बात बोलते हैं कि कोई भी इंटरव्यू में और चाहे कोई भी बोलते हैं कि राधे श्याम रसिया और गुड रंगीला अश्लीलता फैला के रखे हैं क्या जब राधे श्याम रसिया जी और गुड रंगीला जी का जब कैसेट निकलता था उस टाइम अश्लील कहाँ था नहीं था उस टाइम काहे नहीं कोई पूछा लेकिन कहते हैं भैया कि जो भी गाना गाए हैं राधे श्याम रसिया जी तो वो उसका अर्थ बताए हुए हैं एक वो गाना गाए हैं कि सैया मारेला से जिया पर कबो एक कबो दू वाला गाना गाए कबो चीट कबो पट नहीं कबो चीट कबो पट तो कह रहे हैं कि जो ये गाना है आज भी आज देखिए कितना भी मेला में ये गाना बजता है कि कबो चीट कबो पट सैया मारे साटा शॉट ये गाना तो इस गाना का वो भी बताए हुए अर्थ थी कि एक औरत एगो पति दोनों तो औरत के जो पति रहते हैं वो पहलवान होते हैं वो जाते हैं जिम वम करते हैं पहलवानी लड़ते हैं ठीक है तो कहती है कि का कहीं ये अपना सखी से बोली का कहीं हमार मर्दा ऐसा करेला कि कबो चीट कबो पट संयम मारे साटा शॉट वो क्या मारते हैं तो डिप्स मारते हैं सपाट मारते हैं और आदमी आज उसको गलत समझते हैं क्या बात है तो अर्थी गाना कुछ होला मान ली कि सपाट मारे के बिछावना पर नानू मारल जाए सेजिया परो में कहा था अरे क्या बात करते हैं तो सेजिया पर काहे नहीं मार सकते हैं मार सकते हैं जरूर मार सकते हैं क्या सेजी पर सपाट नहीं मार सकते हैं चलिए दू छत पर मार सकते हैं सेजिया पर मार सकते हैं साला खेत में मार सकते हैं वहीं बैठ के मार सकते हैं बैठ के सूत के मार सकते हैं वही जो नीचे मारते हैं वही तो सपाट कहते हैं चलिए अब ये बात पर हमरा खाली चर्चा भई रहे रहुआ पिताजी से ठीक बा आए पर वो वहाँ से हम इंटरव्यू वगैरह ले ले बानी वहाँ के बात को अबो कोई नहीं आई बात मान ली कि दू अर्थी गाना होला जो अश्लील गाना होला नू एगो मान ली कि ब्यास लोग के नजर में ओकर अलग समझावे के जानता कुछ और समझेला और एक बात बता रहे हैं कि राजे श्याम रसिया जी गाना गाए कि राजा 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 करेजा में समाजा कबो चीट कबो पट सही हमारे साटा शॉट बुनिया झार लेबे दे तोर माल हटे छेना तनी दे ना रे तोरा दूधवा के निक ना क्या नाम है बंद कर जनरेटर फुलावना फट जाए इतना सारा गाना गाए ये सब गाना गाए ठीक है आखिर क्यों गाए कि आप सबके नज़र और आप सबके जुबान पर आए इसलिए ये सब गाना गाए उसके बाद कौन सी गाए उसके बाद गाए कि तोरा दूधवा के निक ना दिया रे माए समय केहूँ के नहीं के छोड़ ले कि जिंदगी जतन से रखा इतना तमाम सॉन्ग अच्छा अच्छा आप सबको दिए और आज बोलते हैं कि राधे श्याम रसिया अश्लील फैला रहे हैं आज एक टेपा उठा के फेंकी जिसके माथे पर गिरता है वो सिंगर है सिंगर है आ कहीं ना कहीं नावका जे भी गावे अलावा ओकरा बुझाते कि हम और आप सबसे एक बात बताना चाहते हैं जितने भी आप सब क्या नाम है चैनल वाले हैं आप सबसे एक बात बताना चाहते हैं ये जो भी गलत आप लोग पोस्टिंग कर रहे हैं तो किसी को गलत साबित करके और हाँ नीचा दिखा कर और गलत पोस्टिंग कर रहे हैं एक इंटरव्यू हम देखे हैं वो पता ना किनका इंटरव्यू है हम उनसे बहुत जल्दी मिलेंगे अगर आप मेरा इंटरव्यू देखते होंगे तो आप मिलिएगा एक्चुअली हम देखे थे कि वो लिखे थे कि राधे श्याम रसिया आज रोड पर आ गए क्या आपका औकात है राधे श्याम रसिया जी के पास बैठने का औकात है तो आइए मेरे पास बैठिए आप मुझे वो पोस्टिंग देख कर गलत लगा भैया आप 2 रुपये कमाने के लिए आप कहें किसी को ऐसा
हम देखे हैं थंबल में कि एक कोई पागल का फोटो है वहाँ से कट कर दिया गया है और उनका फोटो लगा दिया गया है। आप बताइए कि अगर आपका कहीं फोटो अगर कोई जगह डाला जाए तो कितना गलत लगेगा। और आप बोलते हैं कि राधे श्याम रसिया रोड पर आ गए, कुछ भी मतलब कुछ भी फैलाने के लिए आप कुछ भी बोल दीजिएगा। अगर आपके पास इतना औकात है तो आप आइए बैठ कर बात करिए। राधे श्याम रसिया यूट्यूब में भी बहुत लोग बांटे जो थंबनेल उल्टा सीधा डाल देला, ठीक बा, उल्टा सीधा डाल देला पैसा कमाने के लिए। मान ली की जेकरा का वो वीडियो बनावल जाता वो भी भड़क जाला आदमी, तो ये टाइप के कहीं ना कहीं परहेज करे के चाहिए। एक बात बताइए, हम बता रहे हैं कि आज राधे श्याम रसिया जी इंटरव्यू पर फॉलो नहीं करते हैं, वो बस इंटरव्यू देना जानते हैं। अगर आज वो इंटरव्यू के बारे में इंटरव्यू देखने लगे ना तो जितने भी आप लोग पोस्टिंग लगा रहे हैं ना एक मिनट में हट जाएगा, ठीक है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी का बैकग्राउंड जानकर कुछ बोलना चाहिए। अभी हम नरेंद्र मोदी जी का कुछ बोल दे तो नरेंद्र मोदी जी का कितना पहुंच बड़ा है, हम कुछ भी थोड़े बोल देंगे। सर उनका पहले बैकग्राउंड उनका बारे में हम जाने वो कैसा है, कोई भी इंसान को कैसे थोड़े आप बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। चलिए वो बात कुछ हद तक ले सही भी बात है कि यूट्यूबर जोन इंटरव्यू वगैरह लेता लो और मैं कुछ ऑन्ट संट थंबनेल डाल देता लो, ऐसे सबका परहेज करे के चाहिए। यहाँ के लास्ट में चलो सूरज बाबू हमनी के जौन शुभकामना बा तारा साथे बा, ठीक बा, हमनी के चाहब सौ कि भगवान से प्रार्थना करब सौ कि तू कम से कम अपना पिताजी से आगे जरूर जाए गीत गौनाई के क्षेत्र में। तो चल यही के साथे हमनी के वीडियो के यही समाप्त कर लेता। बात बात कही रहुआ सब कैसा लागल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताए। हमनी के फिर मिलल जाइए अगला वीडियो में अगला टॉपिक के साथ, तब तक खातिर नमस्कार।